हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर जिसका नाम है इंडिया मास्टरमाइंड। मैं हूं आपका दोस्त बलराम मीणा। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो अपना वंडरशिप फिल्म 9 से रिलेटेड जो सीरीज चल रही है उसी का नेक्स्ट पार्ट है। इस वीडियो में अपन एक प्रोफेशनल स्लाइड शो कैसे बनाते हैं वो अपन देखेंगे। स्लाइड शो बहुत सारे फोटोज़ को अपन यूज करके और एक अट्रैक्टिव वीडियो बनाते हैं जिसको अपन स्लाइड शो बोलते हैं। तो चलिए एक प्रोफेशनल स्लाइड शो कैसे बनाते हैं सीधे वंडरशिप फिल्म 9 की जो स्क्रीन है उसके ऊपर लेकर के चलता हूँ। ये देखिए मेरा वंडरशिप फिल्म 9 यहाँ पर खुला हुआ है। अब चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैं कुछ मीडिया इंसर्ट करवा लेता हूँ। यानी कि सबसे पहले तो अपन को एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिसके अंदर अपन जो है वो उन इमेजेस को स्लाइड शो में कन्वर्ट कर सके, वीडियो में कन्वर्ट कर सके। तो वो मैंने जो है यहाँ पर फिल्मोरा 9 लिया है। उसके बाद में जो है मुझे वो इमेजेस चाहिए, तो इमेजेस को मैं यहाँ पर इसमें इंपोर्ट करवाऊँगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से अपनी जितनी भी इमेजेस है उन सबको सिलेक्ट करता हूँ और ओपन पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरी जितनी भी इमेजेस है वो मेरी मीडिया लाइब्रेरी में यहाँ पर आ चुकी है। फ्रेंड्स, इन सबको अब एडिट करने के लिए मुझे क्या है कि यहाँ पर टाइमलाइन में लेकर के आना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है मैं इन सबको एक साथ सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद मैं इनको ड्रैग करूंगा और यहाँ पर जो है टाइमलाइन में ला करके छोड़ दूंगा। तो देखिए मेरी जो इमेजेस है चारों इमेजेस यहाँ पर टाइमलाइन में आ चुकी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो है देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इसको थोड़ा सा प्ले करके बताता हूँ। ये देखिए ये इमेज है जो एक तो इसका टाइम काफ़ी ज़्यादा टाइम तक एक इमेज शो हो रही है, तो इतने टाइम तक अपन को इस इमेज को शो नहीं करवाना है। और दूसरा आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट वाली जो इमेज है उसमें यहाँ पर आप देखिए ये स्पेस जो है इतना सारा आपको नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद में सेकेंड इमेज है इसमें इतना स्पेस दिख रहा है और थर्ड इमेज में जो है इतना स्पेस। तो ये जो स्पेस है बीच का जो अपन को यहाँ पर नज़र आ रहा है ये अपने वीडियो को ये अपने स्लाइड शो को बिगाड़ देगा। तो इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस स्क्रीन को जो है पूरे स्क्रीन पर फोटो को शो करवाने के लिए आपको क्या करना है, अपने एक साथ सारे फोटो जो है सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद में इस पर राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे क्रॉप टू फिट, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपके जितने भी फोटोज़ हैं वो सारे के सारे जो है जो आपकी स्क्रीन जो आपने सेलेक्ट की है उस स्क्रीन के अकॉर्डिंग फिट हो जाएंगे, उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए अब कोई जगह यहाँ पर बीच में नहीं बची हुई है। अब फ्रेंड्स उसके बाद में क्या है कि मैं यहाँ पर जो है नेक्स्ट स्टेप देखता हूँ कि अपन ने देखा था कि इसका टाइम जो है काफ़ी टाइम तक एक ही इमेज शो हो रही थी, तो इनका टाइम अपन को थोड़ा कम करना है। तो टाइम कम करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यूरेशन ऑप्शन है, तो इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पर जो है इसको अपन जो है 2 सेकेंड्स का यहाँ पर टाइम दे देते हैं। तो ये देखिए कुछ ज़्यादा ही हो गया। अब मैं इसको जो है शायद चलो ठीक है एक बार 2 सेकेंड्स का जो है अपन टाइम करके देते हैं, देखते हैं ये कितना टाइम तक रहता है। ये देखिए मैं इसको कर देता हूँ और यहाँ पर जो है इसको ये जो बीच में खाली जगह बची हुई है इसको यहाँ पर आप इस तरीके से ड्रैग करके मिटाने की बजाय आपको क्या करना है, यहाँ पर खाली जगह पर क्लिक करना है और राइट क्लिक करना है और रिपेल डिलीट पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए स्पेस जो है ऑटोमेटिक हट जाता है। तो यहाँ पर जो है पहले अपन इसको प्ले करके देखते हैं कि कितने टाइम तक अपन को यहाँ पर दिखता है। चलिए ठीक है, ये जो टाइम अपन ने लिया है शायद काफ़ी हद तक ठीक है। तो अपन क्या करते हैं 2 सेकेंड्स का टाइम यहाँ पर रख देते हैं। ड्यूरेशन पर क्लिक किया और यहाँ पर जो है वापस से इसका टाइम 2 सेकेंड्स कर दिया और इसका भी राइट क्लिक किया, ड्यूरेशन पर क्लिक किया और यहाँ पर जो है इसको भी 2 कर दिया। ओके, अब इसका जो बीच का जो ये स्पेस बचा हुआ है इस पर राइट क्लिक, रिपेल डिलीट, राइट क्लिक और रिपेल डिलीट। तो ये देखिए मेरी जो सारी फोटोज़ है वो यहाँ पर टाइम भी मैच हो चुका है, स्क्रीन भी ठीक हो चुकी है, पूरी स्क्रीन पर आ रहा है, टाइम भी कम हो चुका है। और अब जो है मैं इसको क्या करूँगा कि यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा एक जगह घुस गया है पूरा का पूरा। अपन को यहाँ पर इसको थोड़ा सा फेल करके अगर यहाँ पर पूरी स्क्रीन पर अगर अपन को ये दिखेगा तो एडिट करने में ज़्यादा आसानी होती है। तो उसके लिए वंडरशेल फिल्मोरा में एक ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ पर इस टाइप का आपको ऑप्शन दिखेगा जूम टू फिट टाइमलाइन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये देखिए टाइमलाइन में जितने भी आपके मीडिया यहाँ पर लिखी पड़ी हुई है वो सारी टाइमलाइन के अंदर फिट हो जाएगी, वो इतना जूम हो जाएगा कि टाइमलाइन से ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलेगा और ज़्यादा अंदर भी नहीं रह जाएगा। तो चलिए अब इतना सब कुछ करने के बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर, इस पर अपनी इमेज पर राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर जो है क्रॉप एंड जूम पर आप क्लिक कर दीजिए। क्रॉप एंड जूम पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखिए कस्टम लिखा होगा, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर पेन एंड जूम पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर पेन एंड जूम पर क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है इसको 16:9
ये वाला जो अनुपात है आपको ये सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग जो है आपको इसको एडजस्ट करना है। इसके सबसे पहले अंदर वाले पार्ट पर आपको क्लिक करना है। तो ये देखिए अंदर वाली लेयर जो है आपको यहाँ पर दिख रही है। अब इसको थोड़ा सा जो है यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए, ज़्यादा छोटा मत रखिएगा, हल्का सा यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको यहाँ पर बॉर्डर टाइप का बना देना है, ठीक है। ऐसा ही तीनों चारों जो जितने भी वीडियोज़ आपने लिए हैं सब पे यही करना है, क्रॉप एंड जूम। और यहाँ पर जो है पेन एंड जूम पर क्लिक किया और यहाँ से जो है 16:9 सेलेक्ट किया और अंदर वाली इस पर क्लिक किया और इसको जो है सेट कर लिया। यहाँ पर देखिए मैं इसको कर देता हूँ और इस पर जो है ओके, नेक्स्ट वाली इस पर भी राइट क्लिक किया और यहाँ पर क्रॉप एंड जूम और इसको पेन एंड जूम और यहाँ पर जो है इसको 16:9 और इसको जो है मैं यहाँ पर देखिए, ठीक है ये भी हो गया, लास्ट बचा हुआ है इस पर भी राइट क्लिक किया और क्रॉप एंड जूम और यहाँ पर जो है पेन एंड जूम पे क्लिक किया, अंदर वाले पे क्लिक किया, इसको जो है 16:9 किया और यहाँ पर जो है इसकी साइज अपन ने सेट कर दी, ठीक है ओके। अब देखिए अपना जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ अभी तक ये किस टाइप का दिख रहा है। ये देखिए अभी तक ये इस टाइप से अपन को यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ पर वापस से स्टार्टिंग में जाता हूँ और यहाँ पर जो है अब मैं यहाँ पर इफ़ेक्ट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देखिए ऊपर ऑप्शन होंगे इफ़ेक्ट, तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो है इफ़ेक्ट पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ सर्च करना है। यहाँ पर इस पर सर्च कीजिए SQ, जैसे ही आप SQ लिखेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर ब्लर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, आपको ये वाला ऑप्शन जो है इसको क्लिक करना है, ड्रैग करना है और अपनी जो वीडियो की सेकेंड लेयर है उसके ऊपर यहाँ पर ला करके छोड़ देना है। तो ये देखिए न्यू लेयर बन चुकी है, इस लेयर के इन लेयर के ये जो फर्स्ट वाली इमेजेस वाली लेयर है इसके ऊपर यहाँ पर ये लेयर बन चुकी है। अब इसको क्या करना है आपको ड्रैग करके और सारे के सबके ऊपर एक साथ पूरा कर देना है। अब उसके बाद में फ्रेंड्स वापस से यहाँ पर ऊपर आना है और यहाँ पर आपको देखिए मीडिया लिखा हुआ है, इस पर वापस क्लिक करना है और उसके बाद में आपकी जो मीडियाज़ है जो फाइल है उनको वापस से एक एक करके यहाँ पर ड्रैग कर दीजिए और इनको अपने पुराने वाले पिक्चर्स के अकॉर्डिंग मैच कर लीजिए टाइम के हिसाब से। ये देखिए जो इमेज है उस इमेज के ऊपर वही इमेज होनी चाहिए एक से, ऐसा ना हो कि एक इमेज दूसरी और दूसरी नीचे वाली इमेज दूसरी हो गई, यानी कि अलग अलग इमेजेस आपको शो नहीं करवानी है, इमेजेस एक ही होनी चाहिए। तो ये देखिए मैं यहाँ पर जो है इसको एडजस्ट कर देता हूँ और ये लास्ट इमेज अपनी बची हुई है इसको भी ड्रैग किया और यहाँ पर ले आया और इसको भी मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। ये देखिए मेरी सारी इमेजेस जो है यहाँ पर एडजस्ट हो चुकी है। अब फ्रेंड्स उसके बाद में मैं यहाँ पर जो है मेरी फर्स्ट वाली इमेज पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर जो है आप ऊपर वाली लेयर पर ऊपर वाली इमेज पर यहाँ पर क्लिक कीजिए। इस टाइप का जब बॉक्स आपको दिख जाए तो आपको क्या करना है इसको हल्का सा यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर देना है। ये देखिए ऐसा सारी इमेजेस पर ऐसे ही आपको करना है। ये दूसरी वाली इमेज पर डबल क्लिक किया मैंने और यहाँ पर जो है इस इमेज को यहाँ पर ये वाला बॉक्स मुझे दिख रहा है, इस बॉक्स को मैं पकड़ करके दोनों कोनों से और अपनी जो ऊपर वाली इमेज है इसको छोटा कर देता हूँ। वापस से नीचे वाले इस पर तीसरे नंबर के इस पर आ गया हूँ और इस पर मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पर जो है ये अंदर वाले बॉक्स को अंदर वाली इमेज को मैंने छोटा कर दिया। आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि आप बाहर वाला जो इमेज है उसको ना करें। ये देखिए इस टाइप से जो है जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ और शो होता है, तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना होइएगा। आप यहाँ पर आइए उस पर डबल क्लिक कीजिए, आपका ये बार यहाँ पर आ जाना चाहिए, उसके बाद में आपको यहाँ पर दोनों जो लेयर है वो इस टाइप से कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ पर दिखेगा, ज़्यादा नहीं। तो आपको इस वाले ऊपर वाली जो है इस वाले पे आपको क्लिक करना है, ना कि इस वाले पर, आपको ऊपर वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो है इसके साइज़ को यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा
उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मेरा ये कंप्लीट हो चुका है। अब फ्रेंड्स उसके बाद में यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फर्स्ट वाली इमेज को सिलेक्ट करूँगा और इस इमेज पर क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पर जो है इफेक्ट पर वापस से क्लिक करूँगा। इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद में अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैंने ये लिखा हुआ था मैं इसको हटा देता हूँ, तो मेरे सारे इफेक्ट यहाँ पर शो हो चुके हैं वापस से। अब मैं यहाँ पर जो है ये यूटिलिटी लिखा हुआ है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि ये बॉर्डर शो हो रही है, तो इस बॉर्डर को मैं यहाँ पर इस इमेज पर अप्लाई करूँगा। तो मैं यहाँ पर जो है इस बॉर्डर को उठाता हूँ, ड्रैग करता हूँ और यहाँ पर जो है इस इमेज के ऊपर ला करके छोड़ देता हूँ। तो ये देखिए आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी कि इस इमेज के ऊपर बॉर्डर लग चुकी है। इस टाइप से आपको इस इमेज के ऊपर बॉर्डर लगानी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो है नीचे वीडियो इफेक्ट लिखा हुआ है, आपको इसकी एरो पे क्लिक करना है और इसका जो कलर है वो आपको ब्लैक कर देना है। ब्लैक करने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर जो है 3 लिखा हुआ है इसको यहाँ पर आप 2 कर दीजिए और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए आपकी जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा यहाँ पर प्रोफेशनल टाइप का आपको यहाँ पर नज़र आएगा। अब उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर जो है एक और चीज़ कर लेते हैं। मैं यहाँ पर जो है सबसे पहले इस पर डबल क्लिक करता हूँ और वापस से मोशन पर क्लिक करता हूँ। मोशन पर क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आता हूँ और कोई एक मोशन जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर जो है ये ग्रो श्रिंक वाला जो ऑप्शन है, श्रिंक ग्रो श्रिंक वाला यानी कि पॉपअप की तरफ आएगा बाहर और वापस से चला जाएगा, तो इस टाइप का जो इफ़ेक्ट है ये मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। आप भी चाहे तो यही इफ़ेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और इस इफ़ेक्ट को जो है आप यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए तो ये जो इफ़ेक्ट है ये आपकी इमेज पर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो ये इफ़ेक्ट जो है आपकी इमेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आप सारे इफेक्ट यहाँ पर लगा चुके हैं, अब आपको वापस से इन सभी इमेजेस पर ये वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट इमेज के ऊपर आइएगा जिस पर आपने ये सब कुछ किया है, उसके बाद में आपको इसको सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करना है, कॉपी इफेक्ट करना है और नेक्स्ट वाली इमेज के ऊपर आइए और राइट क्लिक कीजिए और पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे कि नेक्स्ट वाली इमेज के ऊपर भी आपके इफेक्ट जो है एक साथ अप्लाई हो चुके हैं। ऐसे ही थर्ड इमेज के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर जो है पेस्ट इफेक्ट कर देना है। वापस से लास्ट वाली इमेज जो है इस पर भी पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए। तो ये देखिए सभी इमेजेस जो है उन सब के ऊपर एक साथ इफेक्ट लग चुका है। अब मैं थोड़ा सा इसको प्ले करके देखता हूँ। ये देखिए इस टाइप से जो है मेरा वर्क यहाँ पर डन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, ओके, और यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर आप अपने वीडियो को नेम दे दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर जो है आप एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरा जो वीडियो है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो चलिए मेरा जो वीडियो है वो डन हो चुका है। फाइंड टारगेट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो है मेरा ये वीडियो है माई वीडियो न्यू, तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो है इसको प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ, फुल स्क्रीन करता हूँ और यहाँ पर जो है स्टार्टिंग में वापस से स्टार्ट कर देता हूँ और इसको अब मैं यहाँ पर प्ले करता हूँ। तो ये देखिए मेरा जो वीडियो है वो इस टाइप से अब अपन को नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो जो है अपन ने अभी बनाया है, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में आप ये वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। ये क्या है कि मैंने आपको अच्छे से पूरा डिटेल में समझाने के लिए पूरा अच्छे से इतना सब कुछ एक्सप्लेन करके ताकि आपको दोबारा कोई दूसरा वीडियो ना देखना पड़े, उसके लिए मुझे इतना टाइम लग गया, वरना सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप 10 से 15 फ़ोटोज़ का जो वीडियो है वो अच्छे तरीके से इस टाइप का प्रोफेशनल वीडियो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस टाइप के और भी वीडियोस देखने हैं, और भी नए नए वीडियोस सीखने हैं, देखने हैं वंडरशेफ फिल्मोरा का अच्छे से यूज़ सीखना है, इस टाइप के कोई भी वीडियोज़ अगर आपको देखने हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको जो है सब कुछ हिंदी में मिलता है, सब कुछ पूरा डिटेल में समझाता हूँ। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आपको दोबारा फिर कहीं दूसरी जगह जाकर के वो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।